हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पर गूगल शीट में आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ नंबर्स मैंने लिख रखे हैं और यहाँ पर 66 लिख दिया। और फिर यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर भी कुछ लिख देता हूँ, लाइक मान लीजिए अपना नाम भी लिख देता हूँ, SURAGE, ये मैंने अपना नाम लिख दिया, ठीक है। एंटरप्रेस करके यहाँ पे आए। अब आपको एक स्टेप पीछे जाना है, तो एक्सेल में आप क्या करते थे, कंट्रोल जेड प्रेस करते थे। तो यहां पर अगर मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता हूं तो एक स्टेप पीछे गया, दूसरा स्टेप पीछे गया, फिर कंट्रोल जेड प्रेस किया तो तीसरा स्टेप पीछे, और ऐसे ही करके हम पीछे चले जाते हैं। इसी तरह से हमको आगे आना हो तो कंट्रोल के साथ वाई प्रेस करते हैं, वाई प्रेस करते हैं, वाई प्रेस करते हैं, तो ये एक एक स्टेप आगे आते चले जाते हैं। तो अगर आपको एक एक स्टेप पीछे जाना है तो कंट्रोल जेड प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ये कंट्रोल जेड प्रेस किया और एक एक स्टेप आगे आना है तो कंट्रोल वाई। ये तो एक्सेल की बात रही, लेकिन अगर आपको आगे आना है तो कंट्रोल वाई के अलावा आप कंट्रोल शिफ्ट जेड भी प्रेस कर सकते हैं गूगल शीट में। तो आप प्रेस कीजिए कंट्रोल शिफ्ट और जेड। तो यहां पे एक बार कंट्रोल शिफ्ट जेड प्रेस किया, एक स्टेप आ गया है, दूसरे बार प्रेस किया, दूसरी बार आ गया है, तीसरी बार प्रेस किया, तीसरी बार आ गया है। इसी तरह से आगे आते चले जाएंगे। फिर मैं कंट्रोल जेड प्रेस कर लेता हूं, और कंट्रोल जेड प्रेस कर लेने के बाद एक और शॉर्टकट की आपको बताता हूं, F4। तो यहां से F4 प्रेस कीजिएगा, एक स्टेप आ गया है, फिर दूसरा स्टेप आ गया है, फिर तीसरा स्टेप आ गया है, तो F4 प्रेस करके भी आप आगे आ सकते हैं। आई होप की बात समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।